श्री नाजीर अहमद लावा इस यूनाइटेड ग्रुप में तीन लोग हैं. 4.5 minutes टोटल टाइम इज 14 minutes. सो 4.5 minutes यू हैव. 4.5 minutes एंड प्लस 4.5 minutes 9 minutes जम्मू कश्मीर का. मैं मुझे खुद प्रसन्नता होती. नहीं प्लीज आप बोले खुद प्रसन्नता होती अगर अपने समय में से जो तय है अगर आप दे तो मैं देने को तैयार हूँ. ऑनरेबल सर जहाँ तक आज का ताल्लुक है ये जम्मू कश्मीर के गवर्नर के मुतलिक है, इसके मुतलिक ही मैं बात करूँगा. एक साल से ज़्यादा वक्त से जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल चल रहा है और इसी के मामले में आज जो चर्चा हो रही है कि इसको एक्सटेंड किया जाए या न किया जाए. यहाँ तक हमारा ताल्लुक है हमारा पीडीपी का, हम एक्सटेंड करें न करें तो फिर भी एक्सटेंड है. लिहाजा इस मामले में जब हाल ही में जम्मू कश्मीर के होम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर गए, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं बड़ी पूरी तरीके से आज ये सेशन देखते होंगे. मैं यकीन से कहता हूँ कि कश्मीर का एक एक बच्चा, एक एक माँ, एक एक बेटा आज देखता होगा कि जम्मू कश्मीर के लिए ये संसद जो है क्या काम कर रहा है. इसमें पूरी तरह वाच एंड वार हो रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में. जैसा मेरी गुजारिश है ऑनरेबल एमपी साहिबान से, जो एमपी साहिबान कुछ तवारीख बता रहे हैं उल्टा मुल्टा पेश करके और कुछ सही बता रहे हैं. आपको मालूम नहीं होगा कि हाल ही में जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कश्मीर गए तो जम्मू कश्मीर के लोगों में एक उम्मीद बढ़ गई. इसी तरह जब आप यहां एक बात करेंगे इस सेशन में तो जम्मू कश्मीर के लोगों को जख्मों को मरहम लगेगा. हम लोग जानते हैं जम्मू कश्मीर में बैठ के कि जब होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज दो तीन दिन पहले कश्मीर गए तो उन्होंने कहा कि गलतियां क्या हुई हैं. जब से मैं पैदा हुआ 87 मुझे इलेक्शन याद है. 87 तक क्यों वहां इलेक्शन हो रहा था पीसफुल? क्यों हमसे जम्मू कश्मीर के लोग दूर नहीं थे? क्यों जम्मू कश्मीर के लोग हाँ इस मुल्क के लिए मर रहे थे? कभी कोई आवाज नहीं उठी, कहीं कोई गनगज नहीं था, कोई गर्नेट नहीं था, कोई गोली नहीं थी. वो क्या वजह है? अगर आप एक बात करेंगे जहां जम्मू कश्मीर के लोगों से तरफ मैं बोलूंगा कि 87 में जो लोग मुलिस हैं उनको अकाउंटेबिलिटी की हो जाए, उनसे पूछा जाए चाहे वो दफन है चाहे वो जिंदा है कि जिन जो लोग वहां इलेक्शन जीत रहे थे उनको हरवाया गया और जो लोग वहां हारे हुए लोग हैं वो हमारे कमांडर बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में. और इसीलिए यहां के अच्छे लोग कह रहे हैं कि हम खानदानी राज को खत्म करेंगे. उस खानदानी राज के खिलाफ पीछे कौन किसका हाथ था? आप यकीन करें या न करें एक उम्मीद बड़ी है. हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद है कि जब तक जम्मू कश्मीर से रियल रिप्रेजेंटेटिव यहां आएंगे तो सबसे अजीम जो इस ताज में दर्द है, जो इस ताज में गोलियां लग जाती है 24 घंटे. कुछ लोग कहते हैं वहां मिलिटेंसी है, यहां मिलिटेंसी है. क्यों मिलिटेंट बन गए जम्मू कश्मीर के लोग? क्यों बन गए कश्मीर में लोग? बॉर्डर पर वो बेटी मेरी विधवा नहीं है. जम्मू बॉर्डर पर मेरी बेटी विधवा नहीं है. लद्दाख के उस कारगिल पहाड़ी पर मेरी मां विधवा नहीं है. हमारे लाखों बच्चे यतीम है, हमारी लाखों बहनें जो विधवा है. लेकिन जब वाजपेयी जी आ गए 2004 में उन्होंने एक पैगाम दिया था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और 5 साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मिलिटेंसी खत्म हो गई. आपने तो आपके पास रिकॉर्ड है, जो व्हाट्सएप पर देखते हैं लोग वो रिकॉर्ड देखिए. वाजपेयी जी ने वहां के जो विधवा बहनें थी, हमारी छोटी छोटी बच्चियां थी, 20 साल से 50 साल तक हमारी 30% बेटियां जो है विधवा है, उनको एक एक हजार रुपया घर जाता था. आप रियल हिस्ट्री नहीं बताते हैं यहां के लोगों को. कश्मीर के लोग मुल्क के लिए जान देंगे, वापस नहीं आएंगे. कश्मीर के लोग बहादुर लोग हैं, वो कोई भिखारी लोग नहीं है. हमारे पास हर सब कुछ है लेकिन हमें मोहब्बत की जरूरत है. हमें मोहब्बत दीजिए, हमें अडॉप्ट कीजिए. आप मेरी गुजारिश है, मेरे आपको याद नहीं होगा जब मिलिटेंसी होती है तो वहां मेरे गांव में एज एमपी मैं गांव में गया, नजदीक है मेरा गांव, वहां पर मिलो है उसका नाम, वहां क्लास फरी हुआ मिलिटेंट ने घरने फेंक दिया इस पर कैंप पर, वहां से गोली लगी. एक ही बेटा था एक घर में नीलों में, व्हाट्सएप पर देखना, वो बेटा ही मारा गया 3 साल पहले. और सारा गांव सोचता है कि शायद हमें आर्मी मारने के लिए आई है. आपको रियल पोजिशन देखनी पड़ेगी वहां जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ. मेरी गुजारिश है होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, मेरी गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि यहां से जो बाहर में लेफ्ट में है, जो राइट में जो भी है, कुछ एमपीज हमारे साथ आए, हम 2 एमपी है, गांव गांव में देख लीजिए आप कि लोगों में जख्म कैसे लगे हैं.
हिंदुस्तान के खिलाफ लोग नहीं है, आपको वो देखना पड़ेगा कि हिंदुस्तान को कौन कमजोर कर रहा है, वो ऐसी सिचुएशन है। हमारे लोगों को कौन बॉर्डर पर मार रहा है, हमारे लोगों को कौन अंदर मार रहा है, वहां एक मैसेज है, हमारे ही लोग हमें मर रहे हैं, हमारे बच्चों को मरा रहे हैं, हमारे इंजीनियर कैसे बंदूक उठाते हैं, हमारे स्कॉलर कैसे बंदूक उठाते हैं, इसका बिरूनी हाथ है। जब तक आप बिरूनी हाथ नहीं काट देंगे, अंदर के हालात कैसे ठीक होंगे, यह हमारा तजुर्बा है। लिहाजा मेरी गुजारिश है जिन लोगों, जो मेरे बार बार कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, हिंदुस्तान के लोग वापस करते हैं, हिंदुस्तान के नौजवान, हमारी माएं, हमारी बहनें वापस करते हैं, हमको पता है, हम अनगवण है, मैं किसान का बेटा हूं, मेरे हालात, घर के हालात अपने देखेंगे तो पता चलेगा किस फैमिली से है, मैं पॉलिटिकल फैमिली से हूं, जेटली साहब को पूरा पता है, जेटली साहब मुझे जानते हैं पूरा, हमारी फैमिली को, हम कितने जख्म से हैं, लेकिन जब आप उन जख्मों को मरहम नहीं लगाओगे, आज मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, आज हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को उम्मीद है होम मिनिस्टर से कि उन्होंने दिल की बात कही। अगर मैं उनकी बात यहां दोहराऊं शायद आग लगेगा, आप लोग नाराज हो जाएंगे, मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा कश्मीर में पहली बार हड़ताल नहीं हुआ। आप इसको देखिए, टेस्ट कीजिए कि कश्मीर में एक होम मिनिस्टर जाने के बाद पहली बार 30 साल में कोई हड़ताल नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई सड़क पर नहीं आया। और हम अमरनाथ यात्रियों को मोहब्बत करते हैं, हम सदियों से इस अमरनाथ यात्रा को मोहब्बत करते हैं, हम कश्मीर के मुसलमान, जो मजारतिया मुसलमान, हम चाहते हैं यहां से टूरिस्ट जाते हैं उनसे पूछे, यहां हमारी बेटियां जाती हैं टूरिस्ट उनसे पूछे, लेकिन जो बच्चा वहां उनकी रखवाली करते हैं उनके हस्बैंड नहीं है, उनके बेटे नहीं है, उनके दामाद नहीं, उनकी तरफ दाव दीजिए। मेरी पुरजोर इल्तिमास है, हमारी आवाज कमजोर है, लेकिन आपसे जब मिलेगी तो मजबूत आवाज बने। धन्यवाद नाजिर, जम्मू कश्मीर धन्यवाद, मुल्क का ताज है और इंशाल्लाह वो बस्ता। धन्यवाद नाजिर, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद नाजिर।